देख लो भयंकर आग, बहुत जबरदस्त। ये 11,000 से टच हुई है लगभग कुछ ही सेकंड के लिए, जो बिजली आई थी ये उसी समय उसके। देखो ये गरीब भाई की आग लग गई है आज कुशावली सरदना मेरठ में, और ये बाल बाल बचा है। बारिश भी पड़ रही है, बहुत मौसम बढ़िया हो रहा, लेकिन इस गरीब की ट्रॉली बच जाए, सभी इसी प्रयास में हैं, बहुत ज़्यादा है। कर रहे कि कम से कम ट्रॉली बच जाए, और ये ट्रैक्टर द्वारा इसको पलटने की कोशिश, समर से भी लगातार चल रही, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रही। बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे, और ट्रॉली पलटने का मुद्दा है, ट्रैक्टर द्वारा ट्रॉली पलटी जा रही हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, बहुत बड़ा नुकसान। और ये पलट दी गई ट्रॉली, शायद कुछ बच जा। बहुत अंदर तक आग पहुंच गई इसमें। हरिओम भाई के यहाँ बहुत बड़ा नुकसान, डेयरी में आई थी ये, डेयरी है भाई की यहाँ भैंसों की, इसके लिए आया था। देख लो भयंकर आग, बहुत जबरदस्त। ये 11,000 से टच हुई है लगभग कुछ ही सेकंड के लिए, जो बिजली आई थी ये उसी समय उसके नीचे था। यही वो रास्ता था जहाँ से ये होता हुआ गया था, और ये पुराली पड़ी है, और यही वो 11,000 की लाइन है, जो कि इनका कहना है कि काफ़ी बार बिजली विभाग से शिकायत भी हमने कर ली है, लेकिन ये जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह जो इसमें जोड़ हैं, जर्जर तार भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बात करें तो ये लाइन इस समय यहाँ पर मिल रही है, दोनों तार आपस में मिल रहे हैं, जो कि लाइन लगाई होगी, और तब तक शायद मुझे लगता है कि लाइन भी नहीं चलेगी, तब तक ये तार एक दूसरे से नहीं हटाए जाएंगे। और खम्भे से, और खम्भे की अगर हम दूरी की भी बात करें तो लगभग 100 मीटर के आसपास की ये दूरी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद दो समर सिविल के द्वारा लगभग आधे घंटे में कंट्रोल लगभग पासा ही लिया है, लेकिन ट्रॉली निकालने के लिए प्रयास जारी है। देखिएगा लगभग ट्रॉली को निकालने का प्रयास, और लगभग ऊपर भी आ रही है ट्रॉली, आ गई, चलो चलो चलो। रह गई फिर आ गई, ये हो गई। काफ़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली सीधी कर दी दो ट्रैक्टरों के द्वारा। जो ट्रॉली के अंदर तक आग पहुंच गई थी, जोर लगाते हुए ट्रॉली को शायद ये नहीं खींच पाने की।